लड्डू बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। एक कटोरी फुल भरकर तेल, गुड़ एक कटोरी, जितना तेल हो उतना ही मात्रा में हमें गुड़ लेना है, खोआ लगभग 150 ग्राम, काजू, किशमिश, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप ले सकते हैं। साथ में मैंने लिए हाफ कटोरी मूंगफली, इसे मैंने रोस्ट करके इसका छिलका हटा दिया है। साथ में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के करीब घी। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी लेकर अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेना है। ड्राई फ्रूट्स को हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। ये देखिए हमारे काजू रोस्ट हो गए, इनको ज्यादा रोस्ट नहीं करना है क्योंकि हमें सिर्फ इनमें से इनका मॉइस्चर। हम अपने बादाम को भी इसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें बिना घी के भी केवल ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, पर अगर आप थोड़ा सा घी डाल देते हैं तो इनमें एक अच्छा सा क्रंच आता है, वो लड्डू में बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए हमें थोड़ा सा घी यूज कर लेना है। और हमारे बादाम भी लगभग रोस्ट हो गए हैं, अब हम इन्हें भी बाहर निकाल लेंगे। इसमें अपनी तिल को भी रोस्ट कर लेंगे। हमें ध्यान रखना है गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है क्योंकि हमारा तिल बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है, तो हमें लगभग, ये देखिए लगभग 3 मिनट लग गया है मुझे इसको रोस्ट करते हुए, और इनका कलर अच्छे से चेंज हो गया है। इस स्टेज में हम इन्हें अपनी कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और चारों तरफ कढ़ाई को अच्छे से ग्रीस करेंगे ताकि हमारा खोआ इसमें चिपके ना, और हम बिल्कुल गैस की फ्लेम को स्लो रखते हुए अपने खोए को भी हल्का सा सेक लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, और फिर इसको गैस की फ्लेम को बंद करके इसमें गुड़ ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा खोया अच्छे से सिक गया है, इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है। इस स्टेज में हम इसमें अपना गुड़ ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और इसको हमें गुड़ की चाशनी नहीं चाहिए, हमें बस इसको मेल्ट करना है, तो गर्म खोए और गर्म कढ़ाई की वजह से ये आसानी से मेल्ट हो जाएगा। इसको अच्छे से एक भी लम्स ना रहे इस तरीके से मिला लेंगे, और ये देखिए हमारा गुड़ और खोआ लगभग अच्छे से मिक्स हो गया है। सबसे पहले हम ग्राइंडर में अपने मूंगफली जो हमने पहले से रोस्ट करके जिनके छिलका हटा के रखे हुए थे उनको ग्राइंड करेंगे, साथ ही में हम इसमें ड्राई फ्रूट्स भी अपने ऐड कर लेंगे। अब हम इनको ग्राइंड कर एक पाउडर बना लेंगे, और ये देखिए हमें ड्राई फ्रूट्स और मूंगफली का एक पाउडर मिल गया है। अब हम अपने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसी तरीके से हम अपने तिल को भी पाउडर फॉर्म में बनाकर बाहर निकालेंगे, और ये देखिए हम अपने तिल को भी एक पाउडर फॉर्म में आने तक ग्राइंड करेंगे, और ये देखिए हमें अपने तिल का एक पाउडर मिल गया है। इसी तरीके से हम बाकी के तिल को भी ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमने जो गुड़ और खोए को मिक्स कर किया था उसको कढ़ाई में लेंगे, उसमें डालेंगे हम कुछ इलायची का पाउडर। ये मैंने थोड़ी सी इलायची को क्रश कर लिया है। साथ में ही अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमने जो ड्राई फ्रूट्स और तिल का पाउडर बनाया था वो ऐड करेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। अब ये देखिए मैंने थोड़ा सा तिल अपना बाहर निकाल कर रखा था, अब इस मिक्सचर से हम गोल गोल लड्डू बनाकर उसको तिल में कोट करके तिल के लड्डू बना लेंगे। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा मिक्सचर लेकर हाथों की मदद से उसको गोल गोल कर इस तरीके से एक गोल लड्डू बनाया है। ये देखिए अब इसे हम गोल गोल, और ये देखिए हम इसको बाहर निकाल कर इस तरीके से हाथों की मदद से अच्छे से गोल लड्डू बना लेंगे, और ये देखिए हमारा लड्डू कितना सुंदर लग रहा है ना। तो देर ना करते हुए जल्दी से हम अपने सारे लड्डू बना लेते हैं, और आप भी इसको एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।